वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ कम्युनिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये ANM, GNM, BSc नर्सिंग या फिर MC और नीट PG के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। लेकिन अगर आपको हमारे अपडेट पाने हैं या लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पानी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो। तो दोस्तों चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत कब स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित किया गया? ए जून 1980, बी अप्रैल 1980, सी अप्रैल 1977, डी अगस्त 1977। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना अप्रैल 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? ए 1980, बी 1958, सी 1982, डी 1993। तो कब प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना 1993। नेक्स्ट बात करें अपन PPI यानी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? ए 1990, बी 1995, सी 1998, डी 2000। तो कब इसको प्रारंभ किया गया PPI को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ईयर 1995। ये दो फेज में स्टार्ट किया गया था, 1995 में स्टार्ट किया गया किसको? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? ए 1970, बी 1965, सी 1980 टू 1981, डी इन 1995। तो इंडिया में डिजीज यानी कि डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब प्रारंभ किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना 1980 टू 1981, यानी कि सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम NMCP प्रारंभ किया गया? ए 1947, बी 1949, सी 1960, डी 1953। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? यहाँ पे बात करें हम कंट्रोल प्रोग्राम की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना डी वाला 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। NMCP यानी कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम किस वर्ष नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में बदल दिया गया? ए 1953, बी 1958, सी 1962, डी 1965। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना बी 1958 को नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के नाम में बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। अर्बन मलेरिया स्कीम कब प्रारंभ की गई? ए 1965, बी 1958, सी 1953, डी 1971। तो अर्बन मलेरिया स्कीम कब प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो अपना 1971, यानी कि डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें। भारत में एड्स का पहला केस किस वर्ष पंजीकृत किया गया? यानी कि द फर्स्ट केस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया इन ईयर, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 1990, बी 1980, सी 1986, डी 1987। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी वाला 1986 को पहला केस देखा गया, वो भी चेन्नई में देखा गया। किसका? एड्स का। भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? ए 1990, बी 1986, सी 1981, डी 1987। तो भारत में कब प्रारंभ किया गया नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना डी 1987। नेक्स्ट बात करते हैं।
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1981 1911, बी 1919, सी 1921, डी 1935। तो कब की गई ILO की यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना बी वाला 1990। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा ESIC एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ए 1970, बी 1981, सी 1948, डी 1990। तो ESIC एक्ट कब प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया। भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ए 1995, बी 1980, सी 1985, डी 1975। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? यहाँ पे पूछ रहे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा होगा अपना वाला सी वाला 1985। नेक्स्ट बात करें अपन, भारत में आयुष्मान भारत कब प्रारंभ किया गया, यानी कि इंडिया में आयुष्मान भारत स्कीम कब प्रारंभ की गई? ए सितंबर 2018, बी अक्टूबर 2019, सी अप्रैल 2017, डी सितंबर 2017। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आयुष्मान भारत स्कीम कब प्रारंभ की गई? तो आयुष्मान भारत स्कीम प्रारंभ की गई वो की गई, इसका करेक्ट आंसर होगा सितंबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य प्रोग्राम किससे संबंधित है? ए इम्यूनाइजेशन से, बी लेबर रूम से, सी ट्यूबरकुलोसिस से, डी डिप्थीरिया से। जो लक्ष्य प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो चलाया है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो लक्ष्य प्रोग्राम चला रखा है वो किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना बी लेबर रूम, यानी कि जो लक्ष्य प्रोग्राम है वो लेबर रूम से संबंधित है। इसमें जो लेबर रूम होता है उसको वेल ऑर्गेनाइज या उसके इक्विपमेंट या उसको हाई क्वालिटी या स्पेशलाइज उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ए वैक्सीनेशन से, बी टाइफॉइड से, सी लेबर, डी ट्रैकोमा। तो मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना वो है वैक्सीनेशन, यानी कि ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ किया गया, यानी कि जो मिशन इंद्रधनुष है उसे कब प्रारंभ किया गया? ए 25 दिसंबर 2017, बी 25 दिसंबर 2014, सी 30 नवंबर 2019, डी 25 दिसंबर 2016। तो मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष जो स्टार्ट किया गया उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 25 दिसंबर 2014, यानी कि जो 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया मिशन इंद्रधनुष। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? ए 13 अप्रैल 2005, बी 12 अप्रैल 2005, सी 15 अप्रैल 2012, डी 16 अप्रैल 2009। तो जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना बी 12 अप्रैल 2005। AMTP एक्ट मैटरनल टर्मिनल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट किस तिथि से प्रभाव में आया, यानी इफेक्टिव कब हुआ? ठीक है, AMTP एक्ट कब इफेक्टिव हुआ या लागू हुआ? ए 1 मई 1972, बी 1 अप्रैल 1972, सी 1 अगस्त 1974, डी 1 नवंबर 1974। तो कब से MTP एक्ट प्रारंभ हुआ, यानी कब से लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा होगा अपना 1 अप्रैल 1972। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना, यहाँ पे बात किया है बीमा योजना की, कब लागू हुआ, ए 9 मई 2015, बी 9 मई 2018, सी 9 मई 2014, डी 10 मई 2014। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना, तो ये कब लागू हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना 9 मई 2015। तो 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कब प्रारंभ की गई, बात करें अपन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कब प्रारंभ की गई, ए 2014, बी 2003, सी 2008, डी 2015। तो जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, ठीक है, वो कब प्रारंभ की गई, इसे ये भी कह सकते हैं PMSSY, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी जो एम्स हैं, जितने भी छः नए एम्स हैं वो इसी के अंडर बने हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है वो है 2003, यानी कि 2003 में ये स्टार्ट की गई है, और इसके अंदर जो भी जितने भी नए एम्स हैं वो सब इसी के अंदर ही बन रहे हैं, इस योजना के अंदर ही बन रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ही वो सारे बन रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों,